हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय ऑल फ्रेंड्स इन दिस न्यू वीडियो लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट बल्क फ्लो ऑफ द प्रोटीन टू ई टू गोल्गी कॉम्प्लेक्स ओके ब्रीफली वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओके जंपिंग अबाउट दैट अवे न्यू और न्यू टॉपिक ऑफ दैट बल्क फ्लो ऑफ द प्रोटीन टू ई आर टू दैट गोलगी कॉम्प्लेक्स वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल recall about that our endoplasmic reticulum okay endoplasmic reticulum which is now we know about that uh, briefly because my cell biology series already uploaded okay to agar aapne nahi dekhi hai to aap dekh lijiye तो आपको structure और उसका functions क्या है वो आपको briefly और साथ ही साथ उसको उसका जो content है वो बहुत ही ज़्यादा helpful है अवर एग्जाम्स के लिए ओके okay? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हम देख लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक uh, रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं ओके वी नो अबाउट दैट आर ई आर और एस सी आर ओके आर ई आर विच इज कनेक्टेड विद द प्रोटीन सिंथेसिस एंड एस सी आर इज अ कनेक्टेड विद द लिपिड सिंथेसिस ओके आर ई आर की अगर हम बात करें तो आर ई आर कंटेन्ज अ राइबोजोन सो दैट इट इज कॉल्ड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओके एंड विच इज़ फाउंड इन दैट मेनली दो सेल्स विच आर एसोसिएटेड विद द प्रोटीन सिंथेसिस लाइक दैट अ सलाइवरी सेल्स एंड द पेंटलियास ओके तो नाउ यहाँ पर हम आज इसी की बात करने वाले हैं कि जिस मेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो राइबोसोम्स क्या करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं okay? ओके तो प्रोटीन सिंथेसिस होकर वो ई ER से गोलगी तक कैसे जाता है उसका एक बल्क फ्लो होता है एक रिदम होती है वैसे ही वो जाएगा ओके रिदम वाइज कोई भी काम नहीं होता हमारी बॉडी में ये हमें याद रखना है ओके तो हम शुरू करते हैं बल्क फ्लो ऑफ प्रोटीन नाउ यू कैन सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स द यहाँ पर मैंने बताई है कि एक रफ रफ है तो दिस इज़ कोल्ड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है ओके तो राइबोसोम से क्या किया कि बहुत सारे यहाँ पर प्रोटीन्स जो है वो बने हैं ओके देन आफ्टर वन यहाँ पर से क्या हुआ बड ऑफ़ हुआ रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से एक बड ऑफ़ होता है और वेसिकल फॉर्म होता है दिस वेसिकल फ्यूजन विद द सिस गोल्की ओके ये वेसिकल जो है वो किसके साथ फ्यूजन कर देगा सिस गोल्गी साथ. ओके ये जो आ, फ्यूजन है वो सिस गोल्गी के साथ ही होगा वो मिडल गोलगी के साथ नहीं होगा क्योंकि इस वैसे कल पर ऐसे ही प्रोटीन्स हैं ऐसे ही लिपिड्स हैं कि जो सिस गोलगी की मेम्ब्रेन के साथ मैच कर रहे होते हैं ओके देन आफ्टर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ग्लाइकोजाइलेशन और कुछ मॉडिफिकेशन होगा और उसके बाद वो जो वेसिकल्स जो है फिर से बर्ड ऑफ़ होगा और कहाँ पर जाएगा मिडल गोलगी में मिडल गोलगी के बाद वो जाएगा ट्रांस गुलगी देन आफ्टर वन ट्रांस गुलगी नेटवर्क में जाएगा ओके ट्रांस गोलगी नेटवर्क आप देख सकते हैं ओके दिस इज़ अंड पार्ट ऑफ़ द गोलगी कॉम्प्लेक्स गोलगी कॉम्प्लेक्स के कितने पार्ट हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीन पार्ट्स में हमारी जो गोलगी बॉडी है ओके okay? गोलगी के बारे में भी मैंने ब्रीफली और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सेल बायोलॉजी में पढ़ाया है तो प्लीज़ आप उसे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देन आफ्टर गोइंग टू दिस वीडियो ओके तो सिस गोल्गी मिडल गोलगी ट्रांस गोलगी एंड देन आफ्टर वन ट्रांस गोलगी नेटवर्क तो गोल्गी नेटवर्क में अब हमारी वेसिकल आ चुके हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा ग्लाइकोजाइलेशन देन आफ्टर वन जो भी प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन होना था वो सब कुछ हो गया है अब गोल्गी नेटवर्क के थ्रू वो कहाँ पर जाएगी सिक्रिटरी प्रोटीन के थ्रू वो प्लाज्मा प्लाज्माब्रेन में जा सकती है या फिर क्लेदरिंग कोटेड वेसिकल के थ्रू वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सेल यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया या फिर मान लीजिए प्लांट सेल्स है तो वो क्लोरोप्लास्ट में भी जा सकती है ओके यानी कि प्रोटीन की जो वेसिकल है उसकी मैं बात कर रही हूँ ओके तो प्रोटीन्स जो है वो अगर क्लेदरिंग कोटेड है तो क्लेदरिंग कोटेड मींस दैट वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स में ही जाएंगे लेकिन अगर हम बात करें सिक्रिटरी प्रोटीन की तो वो डायरेक्टली एक्जोसाइटोसिस करेंगे मेम्ब्रेन में से बाहर जाएंगे और साइटोसोल में वो फ्री हो जाएंगे ओके So this is called that bulk flow of a protein. Now you are clear about that. How can the transport of a protein? Okay. Just uh, recall one series. First one is that RER, RER to cis Golgi, cis Golgi to middle Golgi, middle to trans, trans to trans Golgi network. Okay. Then after we are discussing about that. डिफरेंस बिटवीन द कॉप वेसिकल ट्रांसपोर्ट एंड क्लैधरिंग कोट ट्रांसपोर्ट टू द टी जी एन टू द एक्जोसाइटोसिस प्रोसेस ओके तो ये हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे कॉप uh, वेसिकल का ट्रांसपोर्टेशन होता है और कैसे क्लैधरिंग कोट वेसिकल का ट्रांसपोर्टेशन होता है उन दोनों में क्या डिफरेंस है कॉप वेसिकल क्या है एज वेल एज क्लैधरिंग कोट वेसिकल क्या है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे